हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टेक्निकल वर्ल्ड में एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। मैं हूं पंकज विश्वकर्मा और आज हम पढ़ेंगे मशीनिंग। मशीनिंग को हम बोलेंगे मेटल कटिंग ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे हमने पहले से डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशन बाय द एक्शन ऑफ मेटल रिमूवल इन फॉर्म ऑफ चिप्स। मशीनिंग इज अ नेगेटिव प्रोसेस। यहां पे देखो, जो डिजायर्ड शेप डायमेंशन है, हम कास्टिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस से भी हम डिजायर्ड शेप और डायमेंशन कोई प्रोडक्ट कर सकते हैं। कोई कंपोनेंट है उसे हम बना सकते हैं ये हमारा जो डिजायर्ड शेप एंड साइज में है। पर यहां पे हमें बोल रहा है बाय द एक्शन ऑफ मेटल रिमूवल इन फॉर्म ऑफ द चिप। आपने मशीनिंग से आप क्या समझ रहे हो? अगर कोई मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? कटिंग होगा, ठीक है। कोई हमारा मेटल है, कोई हमारा रॉड है, कुछ भी है, वो उसमें हमारा कटिंग होगा। हाँ, किस फॉर्म में कटिंग होगा? वो हमारा चिप के फॉर्म में कटिंग होगा, ठीक। तो ऐसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डेट एक हमारा ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा डाई है, ठीक है। ये क्या है? डाई है, ठीक है। ये डाई है, ये हमारे दोनों क्या है? डाई है। दो डाई है और इस दो डाई के बीच ये हमारा आयरन रॉड है, ठीक है। ये 25 mm का डायमीटर था, 25 mm, ये 25 mm का आयरन रॉड था। इसका डायमीटर कितना था? 25 mm। ये आयरन रॉड है, इसका डायमीटर 25 mm है। दो हमने डाई रखा और डाई से हमने क्या किया? यहाँ पे पुल किया और हमारा ये किसमें, ये हमारा जो डायमेंशन है, जो हमारा डायमीटर है, ये हमारा रिड्यूस होकर कितना आ गया? 20, ठीक है। तो ये हमारा वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा, कोई चिप के फॉर्म में हमारा कुछ हो रहा है? यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? डिजायर्ड शेप तो हमको मिल रहा है, ठीक है। डायमेंशन हमारा, डायमीटर भी रिमूव हो रहा है, डायमेंशन जो भी है ये भी हमारा रिमूव हो रहा है, और हमारा शेप भी हमको एक मिल रहा है इस रॉड का। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्शन ऑफ मेटल रिमूवल इन फॉर्म ऑफ चिप इस फॉर्म में हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कटिंग कहीं हो रहा है? कोई हमने टूल लगा के कटिंग किया? नहीं किया। कोई कटिंग इसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो आप एक्सट्रूजन प्रोसेस ले लो, या तो ड्राइंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। एक्सट्रूजन प्रोसेस ये ले लो, कोई हमारा ये एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। सपोज इसे पकड़ लो, ये हमारा रैम है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सब मेटेरियल फील है, ठीक है। और ये हमारे इस फॉर्म में निकल गया, ये हमारा डाई लगा हुआ है, ठीक है, इस डाई के बीच में। तो क्या होता है, हमने इसको मेटेरियल को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं, और ये हमारा एक दूसरे फॉर्म में, इस डाई के फॉर्म में हमारा बाहर निकल जाता है। जैसे सिमिलर टू वर्क हम ले लेंगे टूथपेस्ट, जो हम लोग रोज डेली हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट को ऐसे हम पकड़ के क्या करते हैं, पुश करते हैं, एक धक्का देते हैं। तो यहाँ पे जो डाई रहता है, ये जिसका डाई रहता है, वो उस डाई से हमारा एक दूसरे फॉर्म में निकलता है, ठीक है, लिक्विड। तो सिमिलर वही एक्सट्रूजन प्रोसेस। क्या इसमें कोई कटिंग टूल से हमने कोई चिप हमारा निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जिससे हमारा दो पूरा काम आए, ठीक है। देखो अभी हम बता रहे हैं, जैसे आपने ले लिया एग्जांपल, एक हमारा रॉड है, ठीक, ये हमारा रॉड है, कौन सा है? आयरन रॉड है, ठीक। ये हमारा आयरन रॉड है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये हमारा क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है? ये आयरन रॉड रोटेट हो रहा है। और यहां पे देखो, ये हमारा कटिंग टूल है,
ये हमारा कटिंग टूल है, ये हमारा एज कटिंग है, ठीक है, एज कटिंग। तो क्या होगा, कहने का मतलब मशीनिंग प्रोसेस में ये होता है कि जैसे हमारा जो वर्क पीस है, और वर्क पीस ये हो गया आयरन रॉड और कटिंग टूल, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव मोशन। दोनों बीच जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ये दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तभी तुम्हारा मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट होगा इसका, तभी तुम्हारा कटिंग होगा, तभी तुम्हारा मशीनिंग कहलाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा, इसको हमारा रिलेटिव मोशन एक इस साइड हमारा मूव करेगा, ठीक है, और ये हमारा लेथ मशीन पे रोटेट करेगा, ठीक है, सपोजेड मान लो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो जब यहाँ पर टच करेगा तो हमारा ये कटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका सपोजेड डायमेंशन आप ले लो 20, डायमीटर ले लो 25 mm था, और इसका क्या कितना आया 15 mm, ठीक है, 15 mm पकड़ लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने कटिंग किया टूल से, तो हमारा ये चिप फॉर्म में हमारा रिमूव होना स्टार्ट हुआ, इसका ये रॉड हमारा आयरन रॉड हमारा चिप फॉर्म में रिमूव होना स्टार्ट हुआ, और हमारा 25 mm का रॉड कन्वर्ट होके हमारा किसमें आ गया 15 mm में, ठीक है, 15 mm में इसका डायमीटर आ गया। तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस है, ठीक है। जब हमें डिजायर्ड शेप, जब हमें डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशन मेटल रिमूवल प्रोसेस से मिले तब हम उसे मशीनिंग बोलेंगे, ठीक है। जब हमें डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशन मेटल रिमूवल प्रोसेस से मिले तब उसे हम, या मिल रहा हो तब उसे हम मशीनिंग बोलेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, ओके, मशीनिंग यही है, ठीक। आप लोग मशीनिंग को हम मेटल कटिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है, मशीनिंग इज अ निगेटिव प्रोसेस, मशीनिंग इज अ निगेटिव प्रोसेस। तो मैंने आप लोग को निगेटिव प्रोसेस मैंने बताया था कि यह एक, मैंने आप लोग को उस लेक्चर में आपको बताया था कि निगेटिव प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो निगेटिव प्रोसेस ये होता है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड, हाँ, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड, हाँ, जिसमें हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया तो उसमें ऑल मेटल कटिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसे हम मशीनिंग बोलते हैं। जितने भी ऑल मेटल कटिंग ऑपरेशन है उन्हें हम मशीनिंग के नाम से जानते हैं, मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था। तो इसे हम निगेटिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं मशीनिंग को, ठीक है। इसमें भी देखो हमारा टर्निंग, ये हमने एग्जाम्पल लिया है टर्निंग ऑपरेशन का लिया है, टर्निंग। तो टर्निंग क्या होता है, रिड्यूस द डायमीटर ऑफ वर्क पीस। देखो हमारा ये क्या वर्क पीस का जो हमारा क्या हुआ डायमीटर रिड्यूस किया बाय द, ये हमारा कटिंग टूल के द्वारा, या इसे हम टर्निंग टूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशन बाय द एक्शन ऑफ मेटल रिमूवल इन फॉर्म ऑफ चिप्स, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इज अ निगेटिव प्रोसेस, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट, ओके। ये तो हमारा मशीनिंग हो गया। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन, मशीनिंग, ओके। तो मशीनिंग के, मशीनिंग हमारा दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। तो कन्वेंशनल हमारा क्या आ सकता है, कन्वेंशनल क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं कोई कन्वेंशनल क्या हो सकता है? तो कन्वेंशन में क्या होता है, कटिंग टूल एंड वर्क पीस आर ऑलवेज इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है। हमारा जो वर्क पीस रहेगा, और कन्वेंशन में क्या, वर्क पीस और हमारा कटिंग टूल दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेंगे हमेशा, ठीक है। और जो भी हमारा कटिंग जब होगा, कटिंग होगा तो जो हमारा उसमें क्या होता है ना, एक दूसरे जब कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो उसमें एक रिलेटिव मोशन होगा, साथ में एक रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन
वर्कपीस एंड कटिंग टूल। टूल और वर्कपीस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ मशीनिंग, ठीक, ये हमारा कन्वेंशनल है, आप लोग दिख रहा है ये कन्वेंशनल है, ये हमारा नॉन कन्वेंशनल है, ठीक। ये दो टाइप के होते हैं मशीनिंग। कन्वेंशनल में मैंने बताया कि हमारा जो कटिंग टूल और वर्क पीस है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे विद रिलेटिव मोशन के साथ, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में रहेंगे, ठीक। तो इसका कन्वेंशनल डिफिनेशन लिख लो आप, तो वर्क पीस है, कटिंग टूल एंड वर्क पीस, ठीक। आप लोग दिख रहा है ना, ये राइटिंग पहले से मेरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। द कटिंग टूल एंड वर्क पीस आर ऑलवेज फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ रिलेटिव मोशन अदर, ठीक है, इच अदर, ठीक। तो इसका ये आप लिख सकते हैं, द कटिंग टूल एंड वर्क पीस आर ऑलवेज फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ रिलेटिव मोशन विथ इच अदर। तो हमारा जब भी हमें, जैसे मैंने बताया कि कटिंग टूल एंड वर्क पीस, हमारा कटिंग टूल एंड वर्क पीस दोनों कॉन्टेक्ट में होंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, ठीक, रिलेटिव मोशन के साथ। जैसे हमने ये है, ये रॉड है लेथ मशीन पे, ये फिक्स है, ठीक है, और ये रोटेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये हमारा कटिंग टूल है, ये भी हमारा, इसको हम पकड़ के ऐसे इस साइड मूव कराएंगे, तो रोटेशन मोशन भी हो रहा है दोनों में, ये रोटेशन में एक मोशन जनरेट कर रहा है और एक इस साइड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, फिर ये कटिंग होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रिलेटिव मोशन जनरेट हुआ, ठीक, ये हमारा कटिंग। और यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल ये होगा, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, यहाँ पे लिखे इसको, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन इसमें वर्क पीस कटिंग टूल एंड वर्क पीस, ठीक है। तो ये दो चीजें आप नोट कर लो, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्क पीस, ठीक, इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। अब कन्वेंशनल में क्या कौन कौन से पॉइंट है इसको आप नोट कर लो, देखो कन्वेंशनल में हमारा आ जाएगा पहला सिंगल पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, क्या जाएगा, इसको भी डिलीट करता हूं, एक मिनट,
ठीक है, सिंगल पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका टर्निंग आ जाएगा, ठीक है, और शेपिंग आ जाएगा, स्लॉटिंग आ जाएगा, बोरिंग आ जाएगा, ठीक है, शेपिंग, बोरिंग, स्लॉटिंग, ठीक, स्लॉटिंग इट इज करते हैं, या एक और लिख देते हैं फेसिंग ईटीसी, ठीक, फेसिंग। तो टर्निंग आ गया आपका, टर्निंग, शेपिंग, बोरिंग, स्लॉटिंग एंड फेसिंग, ये सब हमारे जो भी है ना, ये सब सिंगल टूल पे ही कटिंग होते हैं, ठीक है। मशीनिंग मतलब ये हमारा सिंगल टूल पे कटिंग होते हैं। मशीनिंग मतलब क्या है, जिसमें हमारा क्या हो सके, कटिंग के थ्रू हमारा कोई भी हमारा एक प्रोडक्ट तैयार हो, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट तैयार हो कटिंग के थ्रू, ठीक है, तो हमारा मशीनिंग है, कोई मशीन है तो उस कटिंग के थ्रू हमारा कोई कंपोनेंट तैयार होता है, ठीक है, कास्टिंग फॉर्मिंग के से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टर्निंग है, ठीक, तो ये सब क्या होता है ना, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यहाँ पे क्या यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। तो हमारा यहाँ हम क्या लिखे, नंबर ऑफ कटिंग एजेस, नंबर ऑफ कटिंग एजेस इज इक्वल टू वन, ठीक है, नंबर ऑफ कटिंग एजेस इक्वल टू वन, कहने का मतलब जैसे हम टर्निंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, टर्निंग ऑपरेशन में एक ही सिंगल टूल यूज करते हैं ना, ये हमारा कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमारा जो एज होता है सिंगल होता है, ठीक है, तो हमारा सिंगल पॉइंट है ना, इसको हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो हम इसको सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। तो ये हमारा टर्निंग ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग टूल सिंगल एज का यूज होता है, ठीक है, जैसे ये नंबर ऑफ कटिंग एज, तो हमारे ये सिंगल पॉइंट है ना एज, जिससे हमारा कटिंग होता है ना, तो ये हमारा एज है, ठीक है, तो सिंगल पॉइंट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें आ गया डबल पॉइंट, डबल पॉइंट मशीनिंग, ठीक, डबल पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया ऑपरेशन, या पूरा लिखते हैं ऑपरेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना, इसका ड्रिलिंग लेते हैं, ये ड्रिलिंग ईडीसी, ठीक है, ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग में क्या होता है ना, जो हमारा ड्रिलिंग होता है, इसमें दो एज होते हैं, ठीक है, एक इस साइड होते हैं, एक इस साइड होते हैं एज, और जब भी आप एक ड्रिल उठा के देखेंगे तो दो साइड एज होते हैं, और हेलिकल शेप ये होता है ना, मुझे बनाने नहीं आता, हेलिकल शेप होता है, ये हेलिकल शेप होता है। तो ये हमारा जब ड्रिलिंग, जब हमारा ड्रिल मशीन से हम रोटेट करते हैं, जब हम कोई होल करते हैं ड्रिल मशीन से, तो हमारा इसमें दो पॉइंट, दो एज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टू एज, नंबर ऑफ कटिंग एज इक्वल टू टू। तो इसमें दो एज होते हैं, और हमारा हेलिकल जो शेप बना रहता है उससे हमारा चिप बाहर आ जाता है, ठीक है, तो हमारा डबल पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन हो गया, ठीक। और तीसरा है मल्टी पॉइंट, ये सब अभी हम डीप में पढ़ेंगे। तीसरा है मल्टी पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन।
तो मल्टी पॉइंट कहने का मतलब है नंबर ऑफ कटिंग एजेस ग्रेटर देन टू, जो दो से ज्यादा हो जाए उसे हम मल्टी पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कटिंग एज ग्रेटर देन टू, दो से हमारा जो एज कटिंग है दो से ज्यादा हो जाए, जो हमारा एज कटिंग है दो से ज्यादा हो जाए उसे हम मल्टी पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे मिलिंग हो गया, मिलिंग आप वो देखो कटर जो ऐसे रहता है ना, एक मिनट, ऐसे सपोज एंड मान लो, ठीक है, सपोज एंड मान लो ये आपका वही है, ठीक है, ऐसे रहता है ना कटर, ठीक है, ये मिलिंग का हमारा टूल है। ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट है, इसके जो एज है एक तो है नहीं, इसमें देखो एक दो तीन कई सारे हैं, दो से ज्यादा हैं, ठीक है, तो इसे हमें कहेंगे मल्टी पॉइंट मशीनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग ईटीसी, ठीक, एक कन्वेंशनल में आ गया। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल देखते हैं, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में इसे हम ईसीएम आ गया, ये सब हम सब डीप में पढ़ेंगे, अभी आपको बस लिखा रहे हैं ऐसे। ईसीएम हमारा क्या हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ईडीएम आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, ठीक, ईवीएम हो गया, ईवीएम क्या जाए, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ठीक, और एलबीएम हो जाएगा, लेजर बीम मशीनिंग, बीम मशीनिंग, यूएसएम, अल्ट्रा सोनिक मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक, और एजीएम क्या हो जाएगा, एब्रेसिव जे है ना, जेट मशीनिंग, ठीक है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जेट मशीनिंग, ठीक, और भी सारे हैं, और वाटर जेट मशीनिंग आ जाएगा, वाटर जेट मशीनिंग भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है, ये सब हमारा आ गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में। तो इसमें क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट वर्क पीस एंड कटिंग टूल, ठीक है, इसमें वर्क पीस और
कटिंग टूल का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, ठीक, या टूल का कोई कॉन्टेक्ट, कटिंग टूल नहीं, टूल का कॉन्टेक्ट नहीं होता, ठीक है, वहां पे हमने कटिंग टूल टूल का कॉन्टेक्ट नहीं होता. देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस. ओके, ये आपने देख लिया. अब हम इसका आगे हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है. मशीनिंग हमने स्टार्ट कर दिया है और मैंने बताया था जैसे कि निगेटिव में, निगेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. उसमें क्या होता है, ऑल कटिंग, ऑल मेटल कटिंग प्रोसेस होता है, तो वही उसे हम मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग नाम से भी जानते हैं, मशीनिंग के नाम से. आप कहीं भी जाओ इंटरव्यू में तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि कटिंग टूल और मशीन टूल क्या है, व्हाट इज द कटिंग टूल एंड व्हाट इज द मशीन टूल. ओके, तो कटिंग टूल हम देखते क्या है, कटिंग टूल एंड मशीन टूल, ठीक. तो आप देख रहे हैं, अ बॉडी विच रिमूव्स एक्सेस मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस थ्रू डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कटिंग टूल. कहने का मतलब ये है, एक्सेस का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक, एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल. कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी है या कोई वर्क पीस है, ठीक, सपोज यही हम कोई वर्क पीस है या बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ देखो, डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टेक्ट मतलब डायरेक्ट टच में आ जाए, और डायरेक्ट टच में आए और उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल है उसे रिमूव कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, कटिंग टूल कहेंगे. कहने मतलब क्या है, एक बार फिर समझो, कहने मतलब ये है कि ये कोई बॉडी है या वर्क पीस है, ये टच में आके उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है उस वर्क पीस का, उसे रिमूव कर दे, उसे रिमूव कर दे, उसे क्या कहते हैं, कटिंग टूल कहते हैं, ठीक है. ये छोटा सा कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कटिंग टूल क्या है, ठीक है, तो आपको देखना होगा. अब यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, मैंने आपको बता दिया ये क्या कहता है, ये एक्सेस मटेरियल मतलब है एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट वर्क पीस के टच में आता है और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करता है, उसे हम कटिंग टूल बोलते हैं, ठीक. और मशीन टूल क्या होता है देखते हैं, necessary.
रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में होगा? आपके वर्कपीस और कटिंग टूल के, ठीक है? रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्कपीस एंड कटिंग टूल, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाइल अ मशीन विच प्रोवाइड्स नेसेसरी रिलेटिव मोशन, क्या रिलेटिव मोशन बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्कपीस, या वर्कपीस या कटिंग टूल के बीच में रिलेटिव मोशन, ठीक है। मैंने जैसे टर्निंग ऑपरेशन बताया था कि ये हमारा क्या है, आयरन रॉड है, लेथ मशीन पे होल्ड है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, और ये हमारा कटिंग है, कटिंग टूल है, कटिंग टूल को हम टर्निंग टूल भी बोलते हैं, और ये क्या करेगा हमारा इस साइड कटिंग टूल हमारा इस साइड मूव करेगा, और ये हमारा ऐसे रोटेट करेगा क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, सपोजेड आप अपनी तरह से मान लो लेथ मशीन पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये किस साइड मूव करेगा और ये किस साइड मूव करेगा, और हमारा जब दोनों कॉन्टेक्ट में आएगा तो हमारा मटेरियल क्या होगा, रिमूव होना स्टार्ट करेगा, उसकी डायमीटर रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, जो मशीन वर्क पीस एंड कटिंग टूल के बीच रिलेटिव मोशन देता है उसे हम क्या कहते हैं, मशीन टूल कहते हैं। जो एक बार फिर सुन लो, जो मशीन वर्क पीस एंड कटिंग टूल के बीच, वर्क पीस एंड कटिंग टूल के बीच रिलेटिव मोशन देता है उसे हम क्या कहते हैं, मशीन टूल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? ओके, आज के लिए बस इतना।